हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग भी ठीक हैं। और आज का मैं ब्लॉग जो शेयर करने वाली हूँ वो ब्लॉग है व्हाट आई ईट इन अ डे। तो आज मैं यही वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग के बहुत कमेंट आ रहे थे कि मेरी स्किन जो इतनी ग्लो करती है, मैं क्या करती हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ वो मैं अपनी डाइट वगैरह को सही करके की हूँ, और दूसरी चीज़ कि मैं लगाती क्यों हूँ, इस पर आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं। तो मैंने इस पर हालाँकि एक वीडियो भी सेपरेट बना रखी है, बट फिर से मैंने आज सोचा कि आपसे शेयर कर दूं। तो मैं वाव का फेस वॉश यूज़ करने के बाद ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, और इसको लगाने के बाद देखिए आप, हल्की हल्की सी शाइन आ गई ना मेरे फेस पे। तो मैं वही आप लोगों से दिखाने की कोशिश कर रही थी। और उस तरफ बिस्तर वगैरह सभी वैसे ही पड़ा हुआ, उसको आप इग्नोर करना। और यहाँ पर हमने सुरमा भी लगा लिया था। लंच की तैयारी शुरू कर दी थी और हमने एक तरफ राइस चढ़ा लिया था जो कि अब भुने वाला, और दाल भी हमने बना ली है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये सब्ज़ी हमने कट कर ली है, बैंगन, आलू और गोभी। और यहाँ पे हमने बीट अपना कट कर लिया क्योंकि 12:30 बज रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब तक ना मैं इसको खा लेती हूँ, फिर हमारा लंच रेडी होगा, तो फिर मैं लंच खाऊंगी। तो मैं पहले इसको खा करके फिर बाकी जो है ना सब्ज़ी वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी। तो पहले करिए फ्रेंड्स, और आप लोग भी कुछ ना कुछ सैलेड वगैरह कुछ भी इस टाइम ना लंच से पहले ले लें, अच्छा रहेगा। और हम जो भी खाएंगे फ्रेंड्स, धीरे धीरे खाएंगे। जैसे ये मैंने एकदम, देखिए एकदम पतला काटा है, लेकिन इसको भी मैं क्या कम करूँगी, इसको भी मैं तोड़ लूँगी। और ये देखिए, इसका ये जो छोटा टुकड़ा है उसको मैं धीरे धीरे करके चबा चबा करके खाऊँगी। तो धीरे धीरे चबा चबा करके जो भी चीज़ आप खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, कुछ भी खाएँ, वो चबा चबा करके 32 बार करके ही खाएँ, तो आपका वेट लॉस अच्छे से होगा और ईजिली होगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ये चीज़ खाती हूँ, आज मेरे घर में मतलब आया हुआ था तो मैंने खा लिया, वरना मैं डायरेक्ट लंच ही करती हूँ, और लंच में भी लेट हो रहा था इसलिए मैंने ये खा लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये पूरा फिनिश करते करते 1 बज गए हैं। और देखिए हमने पूरा फिनिश किया, मतलब आधा घंटा के करीब हमें लगा ये पूरा फिनिश करने में। अब मैं जा रही हूँ किचन में, जल्दी से मैं लंच बनाती हूँ और वहीं आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोग की बहुत कंप्लेन आने लगी थी फ्रेंड्स के मैं डिटेल्स में पूरा नहीं दिखाती हूँ, तो आज से फिर से मैं आप लोगों से मैं क्या खाती हूँ, दिन भर कैसे कैसे खाती हूँ, वो डिटेल्स में इसी तरह शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी अगर मेरे साथ वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको आसानी हो कि आप क्या खाएं, कैसे खाएं, ये समझने में। और अब हमने जो अधूरा किचन में काम छोड़ करके मैं गई थी, वो काम को मैं कंप्लीट कर रही हूँ, यानी खाने बनाने का काम। मैं सब्ज़ी वगैरह कट करके गई थी, राइस वगैरह चढ़ा करके, तो मैं अब उसे कंप्लीट कर रही हूँ, सारा अपना लंच जो भी बनेगा उसको कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लिए फिर पानी गुनगुना कर ली थी, मतलब गर्म कर ली थी, और उसे खाने से आधा घंटा पहले पीना था, इसलिए मैंने सोचा कि खाना तो अब रेडी हो ही गया है तो मैं पानी पी लेती हूँ। और ये देखिए हमारी लंच थाली भी रेडी हो चुकी है, हमने कर ली है। कैसी लग रही है हमारी थाली फ्रेंड्स? हम धीरे धीरे खाएंगे फ्रेंड, 32 टाइम चीव करके खाएंगे। और आप लोग आप वेट लॉस यानी कर रहे हैं हमारे साथ, मतलब शुरू कर चुके हैं, तो आप लोग भी जो भी खाएं धीरे धीरे खाएं, 32 टाइम चू करके खाएं, अच्छे से चबा चबा के, जब मुंह के अंदर खाना लिक्विड हो जाए तब उसे अंदर करें, ऐसे ही करें सब चीज़ खाते पीते, आपका हमारी तरह भी वेट लॉस होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको भी इतना ही छोटा एकदम लुकमा करना है, एकदम जैसे एक छोटे बच्चे को खिलाते हैं, इसको अच्छे से चबाना है मुँह के अंदर। हमने अपना लंच फिनिश कर दिया फ्रेंड्स, पूरा अच्छे से फिनिश किया। और हमने खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिया था, और अब मैं खाना खाने से आधा घंटा के बाद पानी पीऊंगी। और ये देखिए आज इन्होंने खाना नहीं खाया, मतलब लंच इन्होंने नहीं किया है, और अभी वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि ये लेट नाइट ना पार्टी करके आए, मतलब दावत वगैरह खा करके आए कर रहे हैं। रात में खबर हो गया था, ज़्यादा मीठा खा लिए थे, बिरयानी ये सब ज़्यादा हो गया था। और अब यहाँ पे मैं आराम से रिलैक्स होकर के आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई करूँगी। और शैम अपना वर्कआउट कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, और कमेंट कैप का रिप्लाई करने के बाद मुझे ना थोड़ा सा सोने का मन किया तो मैं ना लेट गई। और ये देखिए फिर यहाँ पे मैं उठ भी चुकी हूँ, और मैं डायरेक्ट किचन में आप लोगों से मिल रही हूँ कॉफ़ी बनाते हुए। और मेरा मूड भी थोड़ा ख़राब आपको लग रहा होगा क्योंकि बच्चे इतना शोरगुल कर रहे थे, तो मेरी नींद ख़राब हो गई। मैं थोड़ा सा ही सोई फिर मुझे उठना पड़ गया, फिर मैंने कॉफ़ी बनाई, बच्चों को पढ़ाई, फिर बच्चे की छुट्टी हो गई, बच्चे घर जा चुके थे जो मेरे क्लास के और जो छोटे छोटे बच्चे थे। और उसके बाद सूट ये कई दिन से पड़ा था फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ थोड़ी सी आस्तीन वगैरह बनाई थी और इनकम्प्लीट था, तो हमने उसे कंप्लीट किया। हमारा सूट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब सिर्फ प्लाजो कंप्लीट करना बच चुका है फ्रेंड्स, सूट हो चुका। और उसके बाद फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी क्योंकि 6:30 के करीब हो रहे थे, तो मैं सोची कि मैं रोटी बना ले रही हूँ क्योंकि मुझे तो 7 बजे तक लास्ट अपना डिनर कम्प्लीट करना रहता है। ऐसे तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ 6 तक भी कर लेती हूँ, बट आज 7 बज गए थे। और यहाँ पर देखिए हमने एक रोटी ली, उसके
छोटे छोटे हमने टुकड़े कर लिए फ्रेंड्स। और आप भी ऐसा ही करें, पहले एक ही रोटी लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसके बाद ना फिर अगर आपको और भूख लगे तब फिर आप हाफ या एक रोटी और लें, वरना शुरू में आप ऐसा ही करें। और आपके घर में जो भी खाना सबके लिए बना हो उसी से आप भी अपनी डाइट को कम्प्लीट करें। और इस 32 बार वाले फॉर्मूले में यही तो कमाल है, जो घर में सब खा रहे हैं उसी को खाते हुए हम भी अपना वेट लॉस करेंगे, हर चीज़ खाते हुए करेंगे। ट्यूशन करा दिए, बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स 10:30। और शैम आपको घर में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि शैम के फ्रेंड्स का फ़ोन आया था, उनको कुछ ज़रूरी मतलब उनको कुछ बात करनी थी उनसे, तो इसलिए वो चले गए हैं उनके पास। और मैं हूँ घर में अकेली और मेरा सारा दिन का खाना पीना तो आपने देख लिया, मैंने लास्ट 7 बजे के करीब अपना डिनर कम्प्लीट किया था। और मैं हर रोज़ ऐसा ही करती हूँ, 6 से 7 का मैं टाइम रखती हूँ अपना डिनर कंप्लीट करने का। और अब मैं लास्ट अपनी जो आज वेट लॉस जो हमारी जर्नी है उसका जो आज दिन था उसकी लास्ट रूटीन में मेरी बची हुई है नाइट ड्रिंक। तो नाइट ड्रिंक में हमने ये अजवाइन का पानी रख दिया था और इसमें ना मैं थोड़ा सा दालचीनी पानी भी मिलाऊंगी और इसको गर्म करके छान के सिप सिप करके मतलब मिक्स करके पीऊँगी। कैसे बनाऊँगी वो भी आपसे शेयर करती हूँ। और हमने अपना ये मॉर्निंग ड्रिंक भी रख दिया, ये देखिए धनिया का पानी, इसको धनिया को धो करके हमने इसमें सोख करके रख दिया। अब इसे सुबह गर्म करके और थोड़े से दालचीनी के पाउडर डाल करके पीऊँगी ताकि टेस्ट भी उससे बहुत अच्छा हो जाता। आप लोग जिन लोग को भी थायराइड है फ्रेंड्स, धनिया का पानी ज़रूर पिए मॉर्निंग में गुनगुना करके। और क्योंकि धनिया का पानी का ना फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करें ना कि उसमें ना थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर भी मिला लें तो उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट ही चेंज हो जाता, अच्छी खुशबू भी आएगी। और दालचीनी का पाउडर भी पीने का कितना फ़ायदा आप तो जानते ही हैं, तो मतलब फ़ायदा का फ़ायदा और टेस्ट का टेस्ट। तो चलिए मैं अपना नाइट ड्रिंक जो है मेरा अजवाइन का पानी इसको बनाती हूँ। इसमें मैं मिलाऊंगी फ्रेंड्स ये थोड़ा सा दालचीनी का पानी, जिससे टेस्ट तो अच्छा होगा ही होगा और ये बहुत फायदा करेगा वेट लॉस में, खास करके जब हम नाइट में लेते हैं ना ये, तो नाइट में अच्छा हमारे वेट लॉस में वर्क करती है, हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। तो ये देखिए ये मेरा हो गया नाइट ड्रिंक रेडी, तेज़ गर्म हो गया फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मैं इसे नॉर्मल होने देती हूँ, फिर मैं इसे शिप शिप करके पीऊँगी। और तो आज की हमारी पूरी खाने पीने की रूटीन जो रही वो तो हमने आपसे शेयर कर दी, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग की फरमाइश थी ना कि व्हाट आई ईट इन अ डे आप करें, तो मैं वो अपने वेट लॉस जर्नी में जो खाती पीती हूँ दिन भर में वो मैं, तो आज मैंने आपको पूरे डिटेल्स में एक्चुअली शेयर किया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी विंटर का टाइम है तो मुझे ना थोड़ी कम भूख लग रही है, मतलब भूख कैसी लग रही है कि जैसे एक बार आप खा लो तो बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती वो वाली, जैसे गर्मी था तो मैं शाम में भी मुझे भूख लग जाती थी, तो फिर मैं भुने चने या फिर चना का घुघनी बना के जो बोला जाता मसाले वाली, या फिर मैं पीनट रोस्ट करके रखती थी वो खाती थी। लेकिन अभी वो घर में है भी नहीं और एक्चुअली मुझे भूख भी नहीं लगी है। तो अगर आप लोग को 4 बजे के करीब जो है ना लंच के मतलब 2-3 घंटे के बाद अगर थोड़ी बहुत भूख लग जाए फ्रेंड्स, तो आप लोग ना चना रोस्ट करके रखे या मार्केट में मिलता वो भी मंगा ले, या घर में बादाम मंगा करके रोस्ट कर ले और उसे ना मतलब इतना सा ले ले एक मुट्ठी भर, ये नहीं कि वो इतना सारा खाना है, बस एक मुट्ठी भर ले ले और एक एक पीस मुँह में डाले और उसको अच्छे से चबा चबा करके और खा ले, तो उससे आपको जो है ना फाइबर प्रोटीन दोनों चीज़ें मिल जाएगी और वेट भी उससे अच्छा लॉस होगा। वेट लॉस में हमें तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप देख रहे हैं ना मैं सब्ज़ी कितना, मेरी रोटी कितनी छोटी सी रोटी हमने बनाई थी, मतलब जो एक रोटी पतली सी बनाई थी, लेकिन सब्ज़ी हमने कितना लिया और सब्ज़ी मैं एक्चुअली और लेती अगर और रहता, लेकिन सब्ज़ी की क्वान्टिटी थोड़ी कम थी क्योंकि वो दिन में बनी थी ना सब्ज़ी, तो शाम को भी खाना था इसलिए मैंने कम लिया। और लंच में भी आपने देखा मैंने प्याला छोटा ही प्याला था, बट उससे भर के हमने दाल लिया था और सब्ज़ी भी ज़्यादा ली थी, राइस हमने कम लिया था। क्योंकि अगर आप सब्ज़ी और दाल ये सब सैलेड वगैरह जो भी अगर आपके लंच में लेते हैं वो सब की क्वान्टिटी अगर आप बढ़ा देंगे तो राइस की क्वान्टिटी ऑटोमेटिक आपकी कम हो जाएगी और उससे ही आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि हमको पेट भरने से मतलब है ना। अब आप या तो रोटी बहुत सारा खा करके पेट भर ले या दाल सब्ज़ी ये सब खा करके पेट भर ले, पेट भरने से मतलब है, तो बस मैंने वैसा ही किया। और आप लोग भी ना ऐसा ही करें, अपने जो थाली बनाए ना उसमें सब्ज़ी दाल ये सब की क्वांटिटी बढ़ा दें और राइस की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें। हाँ अगर आप 32 बार अच्छे से चबा के खाने के बावजूद भी अगर थोड़ी और आपको भूख लगती है तो फिर आप और लेकर के खाएं, वरना फिर उतने ही पे अपना खाना कम्प्लीट कर लें। तो ये मेरा बात करते करते आप लोगों से ठंडा भी हो चुका है।
और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है जो हम मैं ब्लॉग बनाती हूँ, या मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो जानकारी आप लोग मुझसे लेते हैं, कुछ भी जिस लायक मैं हूँ उस लायक जो भी मिलता है आप लोगों को, तो अगर अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब भी किया करें और मेरे वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक तो ज़रूर करें। तो बस यही कहना था, और हमेशा कहती हूँ बट आज फिर से कहने का मन किया। मुझे तो एक चीज़ याद आया कि आप लोग अब ये कमेंट करेंगे कि दी आपने तो नाश्ता किया नहीं। तो जी हाँ, मैं नाश्ता, जब से मैं लास्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग जो कर रही थी उस टाइम से मैंने अपने आप को ये आदत डाल लिया है कि मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। मैं डायरेक्ट अपना लंच से शुरुआत करती हूँ खाने की, और 7 बजे तक, लास्ट 7 बजे तक मैं अपना खाना कंप्लीट करती हूँ दिन का, से लेकर रात तक। उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खाती। और आप लोगों को भी मैं बोलूँगी कि है ना, वेट मेंटेन और लॉस करने का सबसे अच्छा तरीका, लॉस भी करने का, मेंटेन में भी रखने का, हेल्थ को अच्छा भी रखने का, कि आप ना 12 बजे के बाद ही कुछ खाना पीना स्टार्ट करें। उससे पहले आप जो है ना कोई भी लिक्विड वाली चीज़ें लें, जैसा आपको भूख नहीं बर्दाश्त हो रही है तो आप सूप ले लें, गर्मी का टाइम रहता है तो नारियल पानी बोलूँगी, लेकिन अभी तो विंटर का टाइम है, कफ कोल्ड हो सकता है, तो ये चीज़ मैं बोलूँगी स्किप करने के लिए। बाकी जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो ले लें, 12 बजे से ही ना आप अपना खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप ये एक्टिविटी हमेशा आप अपनी चालू रखेंगे कि 12 बजे के बाद भी ही खाना खाएं, तो आप देखना सबसे ज़्यादा आपका वेट मेंटेन रहेगा। और उससे भी बड़ी चीज़ क्या होगी कि हम लोग को सबसे ज़्यादा क्या शौक रहता है कि मेरा पेट ना फ्लैट रहे, मतलब बिली फ्लैट रहे। तो मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से अगर आप खाएंगे ना 12 बजे के बाद, तो आपका ना मतलब बॉडी थोड़ा ये भी रहेगा, लेकिन बहुत सारे का होता है ना कि बॉडी पतली और पेट निकला हुआ है। तो मैं बता रही हूँ कि अगर आप अच्छा से खा पी भी रहे हो अगर 12 बजे के बाद से शुरू कर रहे हो, तो आपकी बॉडी थोड़ी ये भी रहेगी ना, लेकिन पेट पूरा फ्लैट रहेगा। आप मेरा देखेंगे फ्रेंड्स कि मेरा अभी तो मैंने वेट लॉस किया है, लेकिन वेट लॉस जब मैंने किया है तो आप मुझे देखेंगे कि मेरा बदन से भी कम मेरा पेट है, क्योंकि मेरा पेट तो एकदम फ्लैट हो चुका है। तो बस यही चीज़ कहनी थी आप लोगों से इसीलिए, और मैं भूल रही थी, मुझे अचानक से याद आई। आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उसका रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में जाकर के कर देती हूँ वाइटी से ही, और अभी मैं वीडियो में नहीं ले रही हूँ क्योंकि वीडियो ना बहुत लेंदी हो जाता था फ्रेंड्स, और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो इसलिए ना मतलब सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट ज़्यादातर लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने ना वो स्किप कर दिया। बीच बीच में कभी मेरा मतलब ऐसा लगेगा कि ब्लॉग मतलब कमेंट कुछ खास लेने हैं, या फिर मुझे ऐड करने का ऐसा लगेगा कि हाँ आज ऐड कर पाऊँगी, ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो मैं ले लिया करूँगी, वरना जो हमारा हफ्ते में एक बार कमेंट की रिप्लाई वीडियो, मैं उसी पर काम करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ना नाराज़ मत होना प्लीज़। इतना पी चुकी हूँ फ्रेंड्स, बाकी जो बचा मैं धीरे धीरे आराम से पीऊँगी, और आप लोगों से मैं ना अभी अपने तरफ से गुड बाय करूँगी, क्योंकि अगर शाम आते तो वो तो मैं आप लोगों से ऑब्वियसली मिलवाऊँगी, अगर टाइम वो टाइम से आए तो, अब बहुत लेट करके आएंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। और तो आज का हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करें। वैसे भी आप लोग मुझे बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्टफुली कमेंट करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो उन लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आप लोग जो भी कमेंट करते हैं ना इससे दिल खुश हो जाता है, इतनी दुआएँ रहती है आपके कमेंट में मेरे लिए, इतना प्यार रहता है ना कि मैं उसी से पता है खुश हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और हमेशा ऐसे ही हमारे साथ आप लोग ना अपने प्यार और अपना जो ये बॉन्ड है ना बनाए रखिएगा प्लीज़, और हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा। तो आज का ब्लॉग आपको हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे आप लोगों में से जो कोई भी हो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मैं फिर से दोबारा बोल रही हूँ। तो ठीक है, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।